क्या आप कबूतर का जोड़ा लगाना चाहते हैं? क्या आपका कबूतर जोड़ा लग नहीं रहा है? तो कौन सा ऐसा ट्रिक है जो कबूतर का जोड़ा आसानी से लग जाए? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, नए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ले चलता हूँ अपने इस कबूतर की तरफ आप लोगों को, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने अभी नया जोड़ा लगाया है और जोड़ा बहुत आसानी से लग चुका है। तो किस तरह से मैंने जोड़ा को लगाया आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, और नए हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों कबूतर के जोड़ा लगाने से पहले आप इतना बात जरूर समझ लें कि पहले नर और मादा की पहचान कर लें। अगर आप या तो मादा मादा के जोड़ा लगाओगे तो भी नहीं लगेगा, और नर नर का जोड़ा लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आपने पहला चीज पार कर लिया, अगर आपने नर मादा की पहचान कर लिया, तो कबूतर का जोड़ा 1 से 2 दिन में ही लग जाता है। जो भाई अब तक कबूतर के जोड़ा लगाने में असफल रहे हैं, आशा करता हूँ कि आज उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि कबूतरों का जोड़ा कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों मैंने इसे जोड़ा लगाने के लिए जो यूज किया हूँ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग भी वैसा ही करना। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने गेट है, ठीक है, दोनों को इसके अंदर डाल दिया और इस तरह से मैंने बंद किया इसको। मैं पर डे इस तरह से लॉक कर देता था जिससे ये हुआ कि दोनों कबूतर अंदर ही रहें और धीरे धीरे एक दूसरे को समझ गए, और उसके बाद मैंने इसे जोड़ा लगा दिया। आपको इस तरह से 2 से 3 दिन करना है। और एक चीज़ को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि जब आप अपने बाकी कबूतर खोले तो इन दोनों जो कबूतरों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जब बाकी हमारे छत पे और भी कबूतर खुले रहते हैं, दाना खाने के लिए हम जब खोलते हैं तो देखेंगे कि मस्ती में रहता है, तो फिर ये ऐसा होगा कि वो उस तरफ चला जाएगा, फिर दूसरे से जाके जोड़ा लग जाएगा। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप अपने सारे कबूतर को दाना खिला लें, उसके बाद ही इन दोनों को दाना खिलाएं खोल कर, या पहले इन दोनों को दाना खिला लें उसके बाद बाकी अपने कबूतर खोल के खिला लें। इस तरह से आप 2 से 3 दिन कीजिए, आपका जोड़ा आसानी से लग जाएगा। और इस तरह से मतलब बंद कर देना है दोस्तों उसको, ठीक है। बंद करने से यह होगा कि वो बाहर के कबूतर को देख नहीं पाएगा, और शुरू शुरू में ये होता है कि दोस्तों जब हम जोड़ा लगाते हैं तो जो नर कबूतर होता है वो मादी को बहुत परेशान सी करती है, और जब देखे ना दोस्तों नर कबूतर गुटकने लगे मादी के पास साथ में, और जो मादी कबूतर होगा दोस्तों वो अपने सर को छुकाने लगे, तो समझ जाना कि जोड़ा लग चुका है। और जोड़ा लगेगा दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, नर गुटकता रहेगा, मादी चू चिंचा करके वो ऐसे से करती रहेगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, उसके बाद आप कबूतर को अलग अलग भी रख सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले आप अगर नर मादा की अच्छे से पहचान कर लेंगे दोस्तों तो जोड़ा आसानी से लगेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं, भाई जोड़ा सही से कहते कि लगता नहीं है, भाई मेरे जोड़े नहीं लग रहे, कैसे जोड़े लगाऊं? तो दोस्तों इस तरह से ही आपको जो कबूतर का आप जोड़े लगा रहे हो, अगर आपका फल की पेटी है तो आप फल की पेटी में बंद कर सकते हो, या कोई आपके पास लॉक वाला दरवा है, या आपने पेटियाँ बना रखी है तो उसके अंदर उसे बंद करना होता है, तभी जाके जोड़ा लगता है। अगर आप इसे बाकी कबूतरों के साथ खोल के रखिएगा, जोड़ा लगाइएगा, तो जोड़ा वो कभी नहीं लगेगा, और आप इसी सोचता रह जाइए कि दोस्तों जोड़ा लगानी है दूसरे कबूतर से ज़्यादा, तो वो जोड़ा अपने मर्जी से लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से कबूतर का ब्रीडिंग कराएं तो अपने हिसाब से ही जोड़ा लगाएं, इस तरह से पूरा इसको पैक कर दें और 2-3 दिन के लिए इसे दाना पानी टाइम पे दें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जोड़ा लगा दिया पेटी के अंदर बंद कर दिया तो सारा दिन बंद नहीं करना है, दाना पानी के लिए भी इसे सुबह शाम निकालना है, ठीक है दोस्तों। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें।